नमस्कार किसान भाइयों, वेलकम टू गीत संगीत पोल्ट्री बिहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं संगीत कुमार आप लोग को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बताने वाले हैं कि मात्र आपको अगर जो 500 मुर्गी रखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से लाभ होगा, और अंडा के पर्पस से रखते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। अभी मेरे पास दो किसान भाई आए हुए हैं जो कि पहले फिश फार्मिंग करते थे, अभी उनसे हम आपको मिलाते हैं और बताएंगे कि किस तरीके से वो फिश फार्मिंग करते थे और क्या प्लान बना के वो आए हैं। तो वीडियो में बने रहें और देखिए पूरा वीडियो को अंत तक। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। भाइयों, अभी हम बोल रहे थे कि मिलाते हैं दो शख्स ऐसे युवक से जो कि पहले फिश फार्मिंग कर रहे थे और अभी स्टार्ट करने वाले हैं मुर्गी फार्म। तो हमारे अंकल जी हैं, अंकल जी के उम्र के हैं, हमारे पिताजी के उम्र के समान हैं। तो इनसे अपना एड्रेस इनका पूछेंगे और क्या पर्पस है, कैसे आए हैं और क्या सोच करके आए हैं, ये सब जानकारी इनसे हम लेंगे। अरे आइए तो थोड़ा सा शर्माते हैं, इधर आ गए हैं, लेकिन हम चेहरा थोड़े दिखाना भूल जाएंगे। हाँ, तो अब बात करते हैं, अपना नाम बताइएगा। चंद्र मोहन कुमार। कहाँ लोकेशन, अपना नाम पता, पूरा एड्रेस चकिया है। हाँ। पोस्ट बेदौली थाना भगवानगंज जिला पटना, ऐसे ब्लॉक मसौढ़ी हुआ। अच्छा, ब्लॉक मसौढ़ी हुआ। पहले के ये किस चीज़ का बिजनेस करते थे? पहले फिश फार्मिंग। क्या बीघा में होगा, के कट्ठा में? ये करीब 18 को है, करीब 12 बीघा। आपका क्या नाम है? अरे नामा बताइए ना जी, देखिए मुड़ जाते हैं। जानते हैं कैमरा के सामने हेजिटेशन हो जाता है। जानते हैं कहाँ दिक्कत। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप बताइए कि मैंने कितना कट्ठा में था तो टोटल? 12 बीघा में। कितना फीस डालते होंगे, कितना मछली डालते होंगे? करीब एक बीघा जल क्षेत्र रहता है ना, तो करीब 12 कट्ठा जल क्षेत्र होता है एक बीघा में। अच्छा अच्छा, करीब 12,000। और बाकी सब जो बाद में साइड वॉल बनता है, पेड़ रोपा। हाँ हाँ, साइड वॉल बनता है। तो अब कैसे प्लान हुआ कि मुर्गी पालन के लिए चले? हम लोग ट्रेनिंग किए थे, पंत नगर गए थे अभी 25 दिसंबर को। हाँ। 5 तारीख तक 10 दिन का ट्रेनिंग हुआ था, तो वही बोला था कि मल्टी लेयर फार्मिंग कीजिए, मतलब यानी मल्टीपर्पज फार्मिंग कीजिए, मैंने हर एक चीज़ समेकित खेती। मैंने मछली कर रहे हैं तो उसमें कुछ आप मुर्गी भी रखिए, कुछ गाय भी रखिए, कुछ बकरी भी रखिए, कुछ बत्तख भी रखिए। तब आपको बचत ज़्यादा होगा। ये चीज़ पर डिपेंड रही है, आपको लॉस में जाइए। कोई में लॉस चल रहे हैं तो कोई में फायदा भी हो जाएगा। जैसे उसी मेर पर आप बना दीजिए। बत्तख रखे हैं? ना, बत्तख लेना है तो ले लीजिए, 1000 पीस है। हाँ, दे देंगे। तो जो किसान अभी देख रहे हैं, सोच रहे हैं खाली हम मुर्गी रखें, तो आप बत्तख भी रखिए, अगर जो जगह है तो आप फिश फार्मिंग भी कीजिए। फिश फार्मिंग तो हो ही रहा है, बकरी पालन भी। जो देख रहे हैं उनको बोल रहे हैं का, मान लिया आप मुर्गी भी रखिए, कुछ बकरी भी रखिए, अगर तो मान ना है तो समेकित कीजिए, कोई में लॉस होगा तो कुछ में कोई में फायदा भी होगा। और हमेशा हम लोग पॉजिटिव थिंक लेकर के चलते हैं। तो जैसे मैं आज का प्लान बना के आप आए, सोचे कि सोनाली मुर्गी वाला। हाँ हाँ, बोलिन कि बिजनेस किया जाए। वही प्लानिंग सोच रहे थे कि नज़दीक में कहाँ है। हाँ। तो पता लगा कि यहाँ है, तो कैसे पता चला था? यूट्यूब से देखे थे। हाँ, कैसे देखे थे? यूट्यूब से देखे थे। हाँ, मित्र हैं वही। तो आप भी देखे थे कि आप ना देखे थे? हम ना देखे, आप ना देखे थे, तो ऐसे मिल लिए। अभी तो वीडियो बन रहा, आप कल जाके घर देखिएगा। हमरा पर आएगा तब ना, आएगा ना तब नोटिफिकेशन जाएगा, सब्सक्राइब की करके रखेगा ना तब नोटिफिकेशन जाएगा, चाहे देसी मुर्गी जहाँ ना, चाहे गीत संगीत पोल्ट्री लिखिएगा तो आ जाएगा। तो अभी किसान भाई को ये बताइए कि मैंने जैसे मैं हमसे मिले, आप हमको से जो भी बात है मुर्गी के बारे में पूछे, तो समझ में जो जानकारी दिए वो सही था कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा लगा, मैंने अच्छा लगा मिलजुल के कि हाँ इस तरीके से फार्मिंग बता रहे हैं तो करना चाहिए या नहीं, बेनिफिट होगा। हाँ, बेनिफिट होगा। तो इनको पूरा हम डायरी में नोट करके बताया कि कैसे कैसे क्या किया जाता है, और अपने फार्म को भी विजिट करवाए, घुमाए भी। तो अभी आपका क्या प्लान है, कितना से स्टार्ट कीजिएगा? अभी हम लोग कम से कम सोचते हैं कि 1000 पीस से कम करें, स्टार्ट करें 1000 या 2000। हाँ हाँ हाँ। अब हम तो आपको बताया कि अंडा के लिए भी सही है और मांस के लिए भी सही है, तो कौन आपको अच्छा लगा, अंडा के लिए या मांस के लिए? दोनों ठीक लग रहा है। जैसे मैं मन हुआ था मांस के पर्पस से बिका था, बिका नहीं तो अंडा के लिए, अंडा में उसको हैचरी में हैच के लिए
रखा जाएगा। तो अभी आप जैसे मैं पटना जिला में हुए हाँ, पटना जिला, पटना जिला में हुए तो हम लोग तो नज़दीक है, नवादा जिला, गया जिला, इधर जो भी नज़दीक में है आप आ करके भी मिल सकते हैं बजाबते। आप आइएगा तो 2 से 3 घंटा आपको हम समय भी देंगे, टाइम भी देंगे, पूरा बात बताएंगे। वीडियो सर 5-10 मिनट के लिए होता है कि नहीं, ऐसे बताने में आप सब चीज़ पूछ लेते हैं तो अच्छा लगता है कि वीडियो देखने में कि आ करके पूछने ना, सामने सामने हुआ तो ज्यादा अच्छा लगा। आ ज्यादा बात के जानकारी नहीं मिलता, बात के जानकारी हुआ। हाँ, दोनों तरफ से वार्ता हुई, वार्तालाप हुआ, ऐसे हुआ कि भले हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर जो आप लोग के पास टाइम है, समय है, तो सैटरडे या संडे को हम ज्यादा फ्री रहते हैं, और नहीं तो 10 बजे से पहले आप आ सकते हैं। जो पटना जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला, नवादा, बेगूसराय, इधर तरफ के जो लोकल भी हैं वो आ सकते हैं, अरवल, पीरो, इधर तक कोई भी हो आ सकते हैं। तो जो किसान भाई अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेगा। और जैसा मैं, अब बच्चा कब तक डालने वाले हैं, कुछ प्लान बना है? हाँ, सोच रहे हैं कि शेड उड देख लिया आपका, आप शेड जाके प्लानिंग करेंगे। जैसे मैं ये शेड जो देखा है कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, कम बजट ना, ठीक है। तो इसी तरीके से मुर्गी वाला सेट बना लीजिएगा, जो कि बना के फिर एक और वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, उसको खोज लीजिएगा कि मात्र 80,000 में कैसे बनाएं 2,000 मुर्गी के लिए जगह। तो किसान भाई, अगर जो हमको तो नहीं लगता है कि मुर्गी पालन करने में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत लगती हो, आप शेड आप 80,000 के भी बनाइएगा तो 2,000 के लिए कैपेसिटी आ जाएगा, अरे 1500 के तो आराम से आ जाएगा का। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। और जो किसान भाई अभी तक भी लाइक नहीं किए हैं सर, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चैनल पर बने रहें, अगले की वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू।